डिपेंडेंट uh, पर्टरबेशन हमने खत्म की थी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर तो अब टाइम डिपेंडेंट पर्टरबेशन थ्योरी देखनी है कि टाइम का फैक्टर जो है वो कहां पे इन्वॉल्व होता है टाइम डिपेंडेंट पर्टरबेशन थ्योरी सो फॉर वी हैव द टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन नाउ वी वुड लाइक टू डिस्कस द प्रॉब्लम फॉर विच द हेमल्टोनियन कंटेन अ पार्ट विच हैज टाइम डिपेंडेंस this will lead to a a a kind of quantum dynamics which deals with the probability that a system undergoes a transition from one state to an other तो so वो ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन ने किसी एक एनर्जी स्टेट से दूसरी एनर्जी स्टेट में जाना है तो दरमियान में उसकी मोशन पे डायनामिक्स पे टाइम का फैक्टर कहाँ और कैसे इफेक्ट होगा ओके लेटेस्ट स्टार्ट विद हेलो अभी कम तो okay. आ रही है हेलो माइक्रोफोन तो करीब ही है यार मेरे आप बताए सर ओके okay. तो लेट अस स्टार्ट विद फ्री पार्टिकल शरोडिंगर वेव इक्वेशन इोटा एच कट कर लोअर कर टी साई नॉट इज इक्वल टू एच नॉट एंड साई नॉट तो ये है आप लोगों की फ्री पार्टिकल की शरोडिंगर वेव इक्वेशन वेयर साई नॉट फ्री पार्टिकल हेमल्टोनियन बट अब आप कहते हैं कि आपका पार्टिकल इन अ पोटेंशियल है और पोटेंशियल भी किस किस्म का है ये देखें ये एक न्यू टाइप का पोटेंशियल है जो पहले हमने स्टडी नहीं किया कभी तो अब हम इसको देखते हैं कि इन द

However, the state psi of t can be expanded as in the interaction term. psi of t is equal to summation n a n of t phi n e raised power minus a over h cut e And t. And this a n is called the interaction coefficient, which we calculate. Karna hai. This is called in interaction representation with this condition when h naught, unperturbed Hamiltonian, apply on phi n.

तो ये क्शन कोफिशेंट को रिप्रेजेंट करता है एक मिनट हेलो यस सर जी शेयरिंग नजर आ रही है या uh, मैंने डेल रिमूव कर दी है नजर आ रहे हैं नोट्स ओके ओके नाउ द श्रोडिंगर इक्वेशन इज बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ साई ऑफ टी तो ये साई ऑफ टी की वैल्यू पुट किया है यहां पे और यहाँ पे ये दो वैल्यूज पुट करने के बाद ये है, ये है। अब देखिए इस इक्वेशन में दो चीजें टाइम डिपेंडेंट है डेरिवेटिव तो जब आपने करना है तो हमने इस सब को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आप देखोगे मैं फाइनल इक्वेशन बता रहा हूं वो ये बनेगी आप लोगों की दिस द फाइनल ये मैथमेटिक्स है कुछ कर लीजिएगा आप इतने आप लोग हो गए हो मैथमेटिक्स कर लोगे तो ये इक्वेशन बनती है आखिरी योटा कट स्मेशन एन एन ए एन डॉट ये डेरिवेटिव है जिसको आप डॉट में कह रहा हूं ये डेरिवेटिव है आप लोगों का ओके एंड ए एन ऑफ डॉट

ये दूसरा इनर प्रोडक्ट राइट साइड पे ये मैट्रिक्स एलिमेंट बनेगा ये वाला और ये क्रोनिकल डेल्टा बन जाएगा ओके देन योटा एचकट समेन एन ए एन डॉट ऑफ टी डेल्टा एफ एन ये बन गया डेल्टा एफ एन एंड इज पर मैंने से एन टी और एच कट विच इज इक्वल टू समेशन एन ए एन ऑफ टी वी एफ एन तो ये बन गया आप लोगों का मैट्रिक्स एलिमेंट e रेज पावर माइनस एोटा e एंड t ओवर h कट ओके वेयर आगे मैंने लिख भी दिया है vf n of t इज इक्वल टू 5 f vt ऑफ t 5 n इज द मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ v ऑफ t तो ये v ऑफ t का मैट्रिक्स एलिमेंट फॉर f इज इक्वल टू n अब मैं f को n पुट करता हूँ और देखता हूँ क्या हो जाता है तो वो जो क्रोनिकल डेल्टा था ये वाला आ, ये वन हो जाएगा

ए एन ऑफ माइनस टी बाई टू इज इक्वल टू डेल्टा एन आई और एन इज इक्वल टू आई के बराबर तो ये वन तो वहां पे इंटरेक्शन है ही नहीं जब आप आई पे बैठे हो तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ डॉट इज इक्वल टू माइनस जी 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 डेफिनेटली इंट्रैक्शन कोफिशेंट को मैं बता रहा हूं फाइव नहीं, नहीं नहीं आप कहते हो कि कांस्टेंट पोटेंशियल है टाइम पे डिपेंडेंट ही नहीं है कांस्टेंट पोटेंशियल आगे मैं बताऊंगा कि ये कांस्टेंट पोटेंशियल को कैसे हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल है बट टाइम डिपेंडेंट नहीं है ऐसा कह ले आप phi आई में टाइम डिपेंडेंट ओके ef डॉट इज इक्वल टू देन इक्वेशन 1 कैन बी एक्सप्रस्ड एज़ ef डॉट इज इक्वल टू माइनस एच कट vf i ऑफ टी अब n i के बराबर हो गया डेटिव e लिया है तो बेसिकली यही इंट्रेक्शन कोफिशेंट ट्रांजिशन के बारे में बताएगा आप लोगों को देखिए कैसे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी द ट्रांशन प्रोबेबिलिटी क्रॉस पॉन्ड हेलो जी अब ठीक है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करनी है और उसके लिए ये तरीका कार है द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्रॉस्पॉन्डिंग टू आर ट्रांजिशन फ्रॉम एन इनिशियल अनपर्टर्ब स्टेट फाइव आई टू एन अदर अनपर्टर्ब फाइनल स्टेट फाइव एफ इज अपटेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग ऑफ इक्वेशन टू तो वो कहते हैं इक्वेशन टू को इंटीग्रेट कर दो जो कोफिशेंट है बेसिक सिर्फ कोफिशेंट की वैल्यू आ जाए फाइनल स्टेट के अंदर तो आप लोगों को ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कुछ निकल आएगी तो वो कुछ इस तरह से है ए एफ ऑफ टी यहाँ पे डेरिवेटिव था इंटीग्रेशन ली तो डेरिवेटिव खत्म हो गया इज इक्वल टू मैंने से योटा और एच का टी वन टू टी टू वी एफ आई ऑफ टी ई रेज पावर योटा इनटू ई एफ माइनस ई आई टी और एच का डी टी की वैल्यू ये है टी की वैल्यू ये है ये पुट कर दो तो ए एफ ऑफ टी तो बेसिकली जिस जिसको आप टी एफ आई भी कहते हो ए एफ को टी एफ आई भी कहते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट इज इक्वल टू टू माइनस माइनस ओवर एच कट टी 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 वी एफ आई ऑफ आगे वही टर्म जो ऊपर वाली है आप लोगों के पास ओके देन टी एफ आई कैन ऑल्सो बी रिटर्न ओवर एच कट माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू डी टी ये जो वी एफ आई है इसको अगेन मैंने इंदर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है और e e e यहाँ पे आपके पास टी होगा डिवाइडेड बाई एच कट जो ऊपर वाली टर्म आपके पास है वो एज इट इज आ जाएगी सॉरी यहां पे टी और यहां पे एच कट आएगा तो ये आ जाएगा ओके दिस इज द इक्वेशन थ्री अब प्रोबेबिलिटी इफ यू रिमेंबर कोई वेव फंक्शन होता था तो उसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते थे आप लोग साई स्टार साई ऐसे ही था ना या साई मार्ड इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट फाइव तो अगर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो इसका स्टेरिक लेना पड़ेगा और तब आप लोग उसको कैलकुलेट कर सकते हो ओके लेट्स सी कैसे आपकी बात जो आप कह रहे थे कि ये कांस्टेंट पर्टरबेशन यहाँ पे आप देखोगे कि कांस्टेंट पर्टरबेशन का क्या मतलब है वी कंसीडर द केस व्हेन द पर्टरबेशन वी ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो फॉर दिस रीजन टी लेस देन माइनस टी बाय टू एंड टी ग्रेटर देन टी बाय टू एंड कांस्टेंट ओवर द पीरियड दिस वन माइनस टी बाय टू लेस देन इक्वल टू टी टी लेस देन इक्वल टू टी बाय टू तो अब आप कह रहे हो कि इस रीजन के अंदर ये देखिए देखेंगे कांस्टेंट मैंने बना दिया एक रेक्टेंगुलर तो पोटेंशियल कांस्टेंट है यहां पे इस रीजन के अंदर अब टाइम डिपेंडेंट नहीं है पोटेंशियल जरूर है बट कांस्टेंट पोटेंशियल है लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करते हैं फॉर गिवन इंटरवल ऑफ पर्टरबेशन एंड वी बिगेन सफिशिएंटली वीक तो वो कहता है कि जब आप कहते हो कि यहां पे कांस्टेंट पोटेंशियल है तो पोटेंशियल टाइम का डिपेंडेंट नहीं रहता तो उसको इक्वेशन थ्री में से इंटीग्रल से बाहर ले लें then TFI is equal to minus iota over H cut VFI minus T by 2 to T by 2 dT और आखिर में ये चीज बचेगी और ये V WFI जो आया है ये इसके बराबर है WFI is equal to EFI minus E over H cut और H cut को मैं दूसरी side पे ले गया हूँ तो ये simple equation बन गई है This is called first order perturbation time dependent okay then in this case

स्केल है तो अब हमने देखना है कि एफ ऑफ जई क्योंकि साइन का फंक्शन है एफ ऑफ जई एंड टी इज मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब टी स्केयर ओवर फोर आएगा व्हेन जई अप्रोचेस टू जीरो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इज एन आइस आसिलेटिंग सैनोसाइडल फंक्शन विद अ पीरियड टू पाई ओवर ओमेगा एफ आई तो ये एक साइनोसाइडल फंक्शन होगा जो यहाँ पे मैंने प्लॉट किया हुआ है ये जरा देखें अगर आप कहते हो कि ये फंक्शन जो साइन का फंक्शन था टाइम डिपेंडेंट था आपके पास मैक्सिमम हो तो आपको ज़ाई की वैल्यू ज़ीरो पुट करनी पड़ेगी और ज़ाई बराबर ऊपर मैंने दे दिया है क्या है तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये कब मैक्सिमम होगा as shown in fig above the transition probability is maximum only when xi is equal to omega fi is equal to zero omega fi basically is the energy difference between two state तो अगर दोनों स्टेट की एनर्जी डिफरेंस जीरो है दोनों स्टेट की सेम एनर्जी है तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी एंड डिके रेपिडली एज मूव अवे फ्रॉम जीरो और वो कहता है कि अगर जीरो से दूर जाओ तो आपके रेपिडली डिके होती है दोनों साइड पे तो मैक्सिमम सिर्फ यहां पे होगी जहां जीरो, हो जीरो का मतलब है कि ओमेगा एफ आई जीरो ओमेगा एफ आई जीरो का मतलब है कि एनर्जी ऑफ द इनिशियल स्टेट शुड बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ द फाइनल स्टेट ओके होना चाहिए ये कांस्टेंट पर्टरबेशन के लिए ऐसा होना जरूरी है ये एक आइडियल केस है कांस्टेंट पर्टरबेशन के लिए नहीं 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 देखें, आपके पास एक पार्टिकल है जिसकी एनर्जी फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ठीक है हेलो एक एक इनर्जी स्टेट है उसके अंदर पार्टिकल है उसकी इनर्जी फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है अगर आप दूसरी स्टेट जिसकी एनर्जी फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो कि डीजेनरेट है उसके अंदर भी वो पार्टिकल जा सकता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी क्योंकि उसकी भी फोर है उसकी भी फोर है तो वो पार्टिकल दोनों स्टेट के अंदर रह सकता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के साथ देखें आपके पास दो दीवारें हैं ठीक है एक दीवार की वैल्यू फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है दूसरी दीवार की भी फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ठीक हो गया अब इलेक्ट्रॉन पहली दीवार पर बैठा है जिसकी एनर्जी ई आई है इनिशियल ठीक है अब आप कहते हो पोटेंशियल टाइम डिपेंडेंट नहीं है कांस्टेंट पोटेंशियल है उस पर पोटेंशियल का मतलब इफेक्ट नहीं है तो उस पोटेंशियल में मूव करने के बाद पार्टिकल जब दूसरी साइड पर पहुंचता है तो उस स्टेट की भी एनर्जी कितनी है आपके पास फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो अगर ई आई इज इक्वल टू ई एफ होगा तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी कि पार्टिकल दूसरी साइड पर जा सके ये मैंने लिखा हुआ है इसलिए

कि अगर आपकी पीक बहुत ज्यादा शार्प है तो पार्टिकल वहीं पे पाया जाएगा बाकी किसी रीजन के अंदर नहीं होगा तो वो कुछ इस तरह से फार्मूला होता है ये वाला अगर टी इन्फिनेटी को अप्रोच कर जाए माइनस इन्फिनेटी, तो इन्फिनेटी जाए जाए टी टू इंफिनेटी दी जाइ साइंस टू पाई टी ओवर टू आंसर आता है बिकॉज दिस इज इंटीग्रल

टू जीरो ओके तो इससे दो आप लोगों के पास रूल्स आते हैं फर्मी गोल्डन के तो उसने बताया ट्रांजिशन इंटू अम ऑफ फाइनल स्टेट स्टेट के अंदर ट्रांजिशन जो बनती है अकॉर्डिंग टू गोल्डन फर्मी लूल के वो ये है ना वो कैलकुलेट दोटल ट्रांजिशन रेट एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट इंटू अंटिन्यूम ऑफ फैनल स्टेट फॉर दिस Energy to be conserved during the transition, so delta E should be equal to zero. Energy of initial and final state should be equal. This condition hai, energy conservation. Ke liye. But the uncertainty principle, time energy uncertainty, then that delta E delta T greater than or equal to H cut by two implies that and infinite time separates the initial and final state. इन्फिनिट टाइम होना चाहिए टी अप्रोच को इन्फिनिट होना चाहिए सो द फिजिकली इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इज नॉट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी वो कहता है इन दिस केस बट द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम कि उसको टाइम पे छोटा छोटा डिवाइड कर दो तब जाके आपकी सही इंफॉर्मेशन मिलेगी और वो कुछ इस तरह से है डब्ल्यू एफ आई इज इक्वल टू टी एफ आई मार्ट स्केयर ओवर टी टी पे डिवाइड कर दिया इसको सॉल्व करो तो फाइनल आंसर ये आता है टू पाई ओवर एच कट स्केयर

अच्छा वो कहते हैं कि फर्मी गोल्डन रूल फर्मी साइंटिस्ट था तो फर्मी गोल्डन रूल 2 भी उसने बनाया कि अगर आप ज़ाई को रो की फॉर्म में ले आओ नंबर ऑफ स्टेट्स की फॉर्म में लेट्स सी नाउ कंसीडर द डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट फाइनल स्टेट की डेंसिटी क्या है रो ऑफ ef वेयर द नंबर ऑफ nf ऑफ फाइनल स्टेट लाइंग इन द एनर्जी रेंज ef2 ef df इसमें कैसे निकालोगे इज

फिर ये जो टोटल इंटीग्रल है टोटल इंटीग्रल को मैंने ये लिख दिया रो ऑफ आई, दिस इज कॉल्ड फर्मी गोल्डन रूल टू अब इनका मतलब क्या है इट इम्प्लाइज केस ऑफ कांस्टेंट पर्टरबेशन जब आप कहते हो कांस्टेंट पर्टरबेशन है द टोटल ट्रांजिशन रेट बिकम कांस्टेंट वो टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगा यहाँ पे टाइम का कोई भी फैक्टर आप लोगों को यहां पे नजर नहीं आएगा टाइम इंडिपेंडेंट पर्टरबेशन uh, हो जाएगी uh, अगर आप पी का या कांस्टेंट पर्टरबेशन का नाम देते हो तो दिस इज कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट पर्टरबेशन थ्योरी तो नेक्स्ट आप लोगों के हैं दो टॉपिक हैं एक है वेरिएशनल मेथड और एक है डब्ल्यू